please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के लखनऊ से कानपुर जा रही पुष्पक ट्रेन के ड्राइवर ने उन्नाव में पटरी पर एक मोटरसाइकिल दिखने के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से मोटरसाइकिल को पटरी पर रखा गया था। ट्रेन के गार्ड और ड्राइवर समेत रेलवे अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हैं। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, राहत की बात यह है कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? बिल्कुल जसप्रीत, बड़ी साजिश की तैयारी थी। अगर ड्राइवर और गार्ड ने नहीं देखा होता बाइक को तो निश्चित तौर पर बड़ी दुर्घटना हो सकी थी पुष्पक ट्रेन की, लेकिन उन्होंने देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक लिया। प्रथम दृष्टया जो स्थानीय प्रशासन है वो और जो रेलवे के लोग हैं वो इस बात की जाँच कर रहे हैं कि बाइक किसकी है और कैसे पटरी पर आ गए और किन लोगों ने रखी। जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी और किसने बाइक को रखा। अभी तलाश पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अजीत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। झारखंड के जमशेदपुर में सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास सड़क पर घूमने लगे। वो जमशेदपुर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जिसके खत्म होने के बाद सीएम घूमने निकल पड़े और बाजार की एक सड़क पर टहलते हुए दिखाई दिए। सीएम रघुवर दास के साथ पार्टी के कुछ बड़े नेता और कुछ करीबी लोग भी मौजूद थे। इस बीच मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे एक होटल में बैठकर आम लोगों की तरह समोसे खाए और आराम से बैठकर चाय भी पी। हालांकि उनके साथ सुरक्षाकर्मी और इलाके की पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे भी दूरी बनाए रखी और एक आम नागरिक की तरह बाजार में घुसते रहे। इस बीच उन्होंने सड़क के किनारे मौजूद गोलगप्पों की दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पों का भी मजा लिया, जिसके बाद सीएम कदमी करते रहे। इस बीच बाजार में मौजूद ज्यादातर लोग सीएम को देखकर हैरान हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में एनडीआरएफ की टीम के कुछ सदस्य छत के एक बड़े हिस्से को एक मशीन की मदद से उठाने लगे। वहां 3 मंजिल की 2 इमारतों के गिरने से कई लोग मलबे में दब गए और एक आदमी की मौत हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने इलाके के लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम शुरू किया। ग्राउंड प्लस 3 मंजिला ये इमारत है, ऐसे 2 ब्लॉक थे, वो दोनों धराशायी हो गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी वहाँ राहत और बचाव के काम में लगाया गया और मलबे को हटाया जाने लगा। गुजरात के गृह मंत्री ने दावा किया कि मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। किसी भी हालत में हम जितने भी लोग अंदर हैं उनको बचाने के लिए पूरी मशीनरी लगा रखी है। मलबे में कौन कहां दबा है इसका पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन काफी देर की जद्दोजहद के बाद भी जब फंसे हुए लोगों को नहीं निकाला जा सका तो डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। खोजी कुत्तों के जरिए मलबे में फंसे लोगों को तलाशने की मुहिम शुरू की गई, लेकिन उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद बचाव के काम में तेजी लाने के लिए मशीनों की मदद भी लेनी पड़ी। हालांकि दावा किया गया कि मलबे में दबे 4 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिसको देखते हुए राहत और बचाव के काम में तेजी लाई गई और एनडीआरएफ की टीम ने मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे एक आदमी को बाहर निकाला और उसे घायल हालत में अस्पताल भेज दिया। विक्टिम निकाला गया है, जो कि निकालते वक्त अभी उसकी स्थिति अभी लाइव ही थी, बट हॉस्पिटल भेजा गया उसको ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अंदर फंसे हुए लोगों की तादाद के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि शुरुआती जांच में बताया गया कि सरकारी आवास योजना के तहत दोनों इमारतों को 1999 में गरीबों श्रमजीवी परिवारों के लिए बनाया गया था, लेकिन महज 19 साल बाद ही दोनों इमारतों को नगर निगम के इंजीनियरों ने खस्ताहाल करार दे दिया, जिसके बाद नगर निगम ने इमारतों को खाली करवाने का नोटिस जारी किया। हालांकि कुछ लोगों को जबरदस्ती भी वहाँ से हटाया गया था। हमारे लोगों ने इनको, यहाँ जो रहने वाले परिवार थे उनको नोटिस दिया, उसके बावजूद भी वो लोग निकल नहीं रहे थे, तो जबरन एक फोर्स का यूज करके उनको इवैक्यूएट कराया गया। लेकिन रक्षाबंधन के दिन 2 परिवारों के कुछ लोग वापस अपने फ्लैट में कुछ सामान निकालने पहुंच गए और तभी ये हादसा हो गया, जिसमें दोनों इमारतें भरभरा कर गिर गयी और मलबे में 10 लोगों के दमे होने की आशंका जताई गयी थी। हालांकि इस सबके बीच मौके पर एनडीआरएफ टीम का राहत बचाव अभियान भी जारी रहा और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की भी मदद ली गई। लेकिन इमारत गिरने के बाद छत के स्लैब के बड़े बड़े हिस्सों की वजह से दबे हुए लोगों की तलाश करने में मुश्किल पेश आई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम के कुछ सदस्य एक मशीन की मदद से उन स्लैब को तोड़कर छोटे टुकड़े करने लगे। साथ ही एनडीआरएफ की टीम का एक सदस्य लोहे के डंडे से स्लैब को तोड़ने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई दिया। वहीं छत के एक बड़े हिस्से को एक मशीन की मदद से उठाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हिस्सा बड़ा होने की वजह से उसे एहतियातन उठाया नहीं गया और एनडीआरएफ की टीम का एक सदस्य उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो उसे तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया, जिसके बाद एक दूसरी मशीन की मदद से ऐसे बड़े हिस्सों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। इस बीच मलबे में कपड़े और किताबों समेत घरों में इस्तेमाल होने वाला काफी सामान भी बिखरा हुआ दिखाई दिया, जिसे एनडीआरएफ के कुछ सदस्य हटाने लगे। अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में जो सरकारी आवास थे उसमें से दो जो उसके ब्लॉक थे वो कल धराशायी हो गए। बताया जा रहा है कि अंदर दो परिवार के लोग थे और उसमें से कुल 5 लोगों को निकाला गया है, जबकि 2 लोग अभी भी अंदर दबे होने की संभावना। उसके चलते राहत बचाव का काम कल रात से ही जारी है। अहमदाबाद नगर निगम की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि ये बिल्डिंग कमज़ोर हो गई थी। उसकी जानकारी यहाँ जो रहने वाले 32 परिवार थे, एक ब्लॉक में 16 परिवार रहते थे, ऐसे 32 परिवार थे, उनको दी गई थी नोटिस दी गई थी मकान खाली करने के लिए। बावजूद वो मकान खाली नहीं कर रहे थे, तो जबरन उनको घर से बाहर निकाला गया था कि ये रहने लायक नहीं है मकान, ये कभी भी गिर सकता है। लेकिन कल राखी का दिन होने के चलते 2 परिवार के लोग देर शाम को यहाँ पर आए और उसके बाद ही ये पूरा बिल्डिंग, दोनों जो ब्लॉक थे वो गिरे। 5 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो पाई है। 4 लोग अभी भी अहमदाबाद के शारदाबेन अस्पताल है उसमें बुरी तरह जख्मी हैं और 2 लोग अभी भी अंदर दबे होने की संभावना के चलते राहत बचाव का काम चल रहा है। अहमदाबाद के ओढ़व में जो 2 इमारतें यहाँ पर गिरी हैं उसमें एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं और एनडीआरएफ के सेकंड इन कमांड प्रसाद साहब हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। जानना चाहेंगे क्या कुछ अब तक का अपडेट? अभी हमारी टीमें रात से थ्रू आउट कंटिन्यूसली काम कर रही हैं। हमारी 5 टीमें अभी लगी हुई हैं। हमने एक टीम बड़ोदरा से भी बुलाया कि जरूरत पड़े तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे और कंटिन्यूसली हमारी टीमें लगी हुई है। और ये जो जेसीबी और क्रेन की सहायता से जो मेजर डेब्रिज है उसको हम रिमूव करने का कोशिश है, कर रहे हैं। जो भी रबल्स है उसको हटा कर बीच में अपने जो है इक्विपमेंट से, उसकी मदद से हम विक्टिम को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। जब तक कंफर्म नहीं होता है कि इसमें कोई विक्टिम और कोई बचा हुआ नहीं है, तब तक ये ऑप्स जारी रहेगा। क्या कुछ जानकारी है सर, अब तक कोई अंदर फंसे हैं चूँकि और कितने लोगों को बाहर निकाला? अभी बता रहे हैं, जैसा कि बात हुई, अभी 2 लोगों का अभी तक ट्रैप होने का अभी भी अंदेशा लग रहा है, लेकिन अभी वो फाइनली जब तक ऑप्स पूरा नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे।